सईद है वो सामने आए, कोल साहब से कंप्लेंट करूंगा इनको मामला बहना के पार्टी में। ये आप सबको पता है कि सरकार ने जो लेफ्ट आउट पंचायत थी उन पंचायतों की चुनाव की उन्होंने घोषणा की है और 5 मार्च से 20 मार्च तक चुनाव होगा, 8 फेजेस में चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी पहले भी जब चुनाव हुआ था 1 साल पहले पंचायतों का, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। उस समय और इस समय में ये अंतर है कि उस समय नॉन पार्टी बेस पर ये पंचायतों के चुनाव थे और इस समय ये पार्टी बेस पर पंचायतों के चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी आज जो फॉर्मल तैयारी होती है वो करेगी। तैयारी तो हम बहुत पहले से इस चीज़ के लिए अपने यहाँ सभी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में और सभी ब्लॉक्स में हमने शुरू की थी। आज हमने 3 हिस्सों में आज हमने ये मीटिंग रखी है। पहले हम साउथ कश्मीर की करेंगे, बाद में नॉर्थ की और फिर सेंट्रल कश्मीर की। इसमें हम एक एक ब्लॉक की, एक एक सरपंच का, एक एक पंच का थोड़ा बात करेंगे और कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि वो आइडेंटिफाई करें नाम और वो आइडेंटिफाइड नाम्स को हम पार्टी की ओर से मैंडेट देंगे और पार्टी की ओर से उनको लड़ाएंगे। हम ये मानते हैं कि भाई ये जो बेसिक रूट का है, बेस पर जो चुनाव है, जो एक पंचायत में एक हल्के में चुनाव है, पंच में चुनाव है, इससे डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है और डेवलपमेंट भी होती है, तो ये होना चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये रही कि पिछले सरकारों ने इस चुनाव को दरकिनार किया है और पिछले 1.5 साल से इन चुनावों पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। BDC के चुनाव हो गए और DDC के चुनाव करने की बात भी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, इससे और मजबूती ग्रास रूट पर आएगी। उसी चुनावों की दृष्टि से आज हम पूरा दिन आज इसका मैराथन मीटिंग्स करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को बताएंगे कि भाई वो इसके लिए मैदान में जाकर और लोगों से बातचीत करें, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करें। ये इन्होंने बायकॉट तो पिछली बार भी किया था, तब तो इनका कोई लीडर अंदर नहीं था। इस बार तो सिचुएशन डिफरेंट है ना सर? नहीं, इस बार उस बार क्या सिचुएशन थी, उस बार भी इन्होंने बायकॉट किया। इसको इनको हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने उस समय क्यों बायकॉट किया, उस समय तो आपका कोई लीडर अंदर नहीं था। अभी तो कह और रहे इस समय ऐसा कांग्रेस का तो कोई ऐसा नेता अंदर नहीं है। कांग्रेस को कंटेस्ट करने में क्या दिक्कत है? अगर वो अपनी इस बात को रख रहे हैं तो सरकार फैसला करेगी, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। हम अपनी पार्टी की ओर से इस चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और हम उनको भी ये निवेदन करेंगे, उनको भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करें और उससे ही जो लोगों के मुश्किलात है, लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स है, वो हल हो। लेकिन अपोनेंट के बगैर आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे सर? अभी जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि आपकी बार ये छोड़ दीजिए, ULB के चुनाव पिछली बार पार्टी बेस पर थे ना, पंचायत के चुनाव नहीं थे, ULB के चुनाव पार्टी बेस पर थे ना, इन्होंने क्यों बायकॉट किया? तब तो इनका कोई लीडर अंदर नहीं था। प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स तब भी खड़े किए हैं, आज भी खड़े कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखें यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हर पार्टी के कैंडिडेट हैं। अभी आपको पीछे डिप्टी मेयर के चुनाव में पता लग गया कि कांग्रेस के कितने हैं, NC के कितने हैं, PDP कितने हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ये मानना है कि बदकिस्मती से ये जो सरकारें थी, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये जो हमारे MLAs थे, ये MLAs ये जो ग्रास रूट का चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव है, इसको करने के हक में नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। अब ये हो रहे तो इनको कठिनाई हो रही, इनको परेशानी हो रही है। मुझे नहीं लगता है बाकी कुछ लीडर अंदर है, कहीं बहुत सारे लीडर तो छूट गए हैं। अब जो छूट गए हैं उनके आधार पर कोई पंचायत का चुनाव करना, कोई बड़े नेताओं ने तो सरपंच या पंच नहीं खड़ा होना है, नीचे जो पार्टीज हैं, नीचे जो इनके लोग हैं वो चुनाव लड़े, हम तो यही इनसे प्रार्थना। लेकिन ऐसे भी लीडर यहाँ पर है जो कह रहे हैं कि BJP भी डर रही है, अगर वो पार्टी लीडर्स को, जो बाकी जो मेन स्ट्रीम जो एक्सक्लूसिव्स है, उनको अगर छोड़ेगी तो शायद यहाँ ऐसा है कि आज भी हम ये मानते हैं कि भाई कश्मीर में इन्हीं पार्टीज का वर्चस्व है। हम ये नहीं कहते हैं कि BJP यहाँ बड़ी जबरदस्त
वो कोई पार्टी बनी है। आज भी एनसी का ही वर्चस्व हो सकता है, आज भी पीडीपी का भी वर्चस्व हो सकता है। वो आ जाए मैदान में और देखेंगे आप किसका वर्चस्व रहा है और किसका नहीं रहा है। और क्या कुल साहब, यूएन चीफ की तरफ से ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन जो है कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। अब वो समय Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.